हे बॉस कैन गाइस, रोजे वाइटी हेयर। कैसे हो सभी लोग? और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा रोजे गोकू ब्लैक के बारे में, जो आज आने वाला है रिवील्स एंड स्टफ में। सो आज रिवील्स एंड स्टफ अभी से अराउंड 2 आवर्स के बाद 7:30 PM जो यूजुअली टाइम रहता है रिवील्स एंड स्टफ का, उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। वीडियो में PvP चलता रहेगा गोकू ब्लैक ट्रिपल गोकू ब्लैक रोजे की टीम का फ्यूचर में। सो अभी हम बात करते हैं अल्ट्रा रोजे की। सो अल्ट्रा रोजे का क्या कलर होगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ फ्यूचर के टैग में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स मेरे फ्यूचर के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अभी रोजे का लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैंने रिव्यू देखा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि रोजे जो अल्ट्रा रोजे आएगा उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। बट आई थिंक ग्रीन नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ग्रीन में ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मिंग गोकू ब्लैक है जो रोजे में ट्रांसफॉर्म होता है, और ये बंदा देख सकते हो मेरा 14 स्टार का पड़ा हुआ है। सो अगर इसका जेन का आता है तो ये बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपी हो जाएगा यार। ये ऑलरेडी यार अभी भी बहुत सही है। सो आई डोंट थिंक इसे ग्रीन होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम जाते हैं सुपर सैयन रोज के सारे कैरेक्टर्स में, यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन में से हमारे पास है ज़माजू असिस्ट गोकू ब्लैक, और उसके अलावा रोजे में यहाँ पर रेड में रोजे है, येलो में F2P रोजे है, और LF रोजे जो है वो पर्पल है, उसके अलावा एक्सट्रीम रोजे येलो है। बट आई थिंक जो अल्ट्रा वाला है रोजे नया वाला वो येलो ही होना चाहिए आई थिंक। दैट्स बिकॉज यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो अल्ट्रा कैरेक्टर्स का, जितने भी सारे अल्ट्रा कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक्चुअली में जो अल्ट्रा कैरेक्टर्स है वो F2P के हैं, और सिर्फ समनेबल अल्ट्रा में से मेरे पास सिर्फ अल्ट्रा सुपर वेजिटो है। उसमें भी मैंने 3 रोटेशन किए थे उसका समन में, तो उसमें 3 रोटेशन के बाद मेरे को लकीली 2 कॉपी मिल गई थी उसकी। यहाँ पे देख सकते हो 8 स्टार का अल्ट्रा सुपर वेजिटो है, ये येलो यूनिट का है। उसके अलावा देख सकते हो बाकी कोई भी अल्ट्रा मेरे पास है नहीं। सो आई थिंक अगर जैसे कि मोस्टली यूट्यूबर और बाकी सारे जितने लोगों के मैंने रिव्यू देखे हैं वो लोग कह रहे हैं कि यार अल्ट्रा रोजे ग्रीन होगा। अब अगर वो ग्रीन होगा तो यहाँ पे यार ये जो यहाँ पर पर्पल कलर का अल्ट्रा कोगेटा ब्लू है, तो यार ये बंदा तो डेफिनेटली भाई उसको आराम से किल कर सकता है अगर वो ग्रीन होगा, राइट? तो क्योंकि अब ये भी है कि अल्ट्रा में हमारे पास कोई ग्रीन कैरेक्टर नहीं है, तो हो सकता है इसलिए काफ़ी लोगों को शायद इसलिए भी लग रहा है कि यार ये ग्रीन होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई ग्रीन अल्ट्रा नहीं है। बट द थिंग इज कि यार अगर ये ग्रीन कैरेक्टर निकल गया तो अल्ट्रा गोगेटा ब्लू आसानी से किल कर सकता है, जो कि यार देखने में अच्छा नहीं होगा। और स्पेशली लाइक मैं वैसे भी फ्यूचर में ही हूँ, अनलेस अगर इसको ग्रीन बनाना भी है अगर अल्ट्रा रोजे को, तो इसके पास एटलीस्ट टाइप न्यूट्रैलिटी देनी चाहिए। टाइप न्यूट्रैलिटी मतलब कि ये बंदा एलिमेंट के अपोजिट जाकर भी टाइप डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स में। मे बी अगर इसको टाइप डिसएडवांटेज का कोई ऐसा यूनिक गॉज इसको ऐसे दिया जाए कि ये टाइप डिसएडवांटेज को मल्टीपल टाइम्स ये नलीफाई कर सकता है, और टाइप डिसएडवांटेज में किसी भी एलिमेंट को बेसिकली ये हरा सकता है, एक यूनिक टाइप की चीज़ जो कि ये लगा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये अल्ट्रा कैरेक्टर है। तो वो चीज़ मुझे लगती है अगर ये ग्रीन हुआ तो इसको टाइप न्यूट्रैलिटी इनको देनी चाहिए, अदरवाइज ये आई डोंट थिंक इतना लाइक वियेबल रहेगा ग्रीन में। अदरवाइज अगर ग्रीन ये नहीं हुआ मेरे हिसाब से इसको या फिर ये येलो होना चाहिए, बिकॉज अल्ट्रा कोगेटा ब्लू को आराम से किल कर सकता है, और वैसे भी यार ये बहुत अनोइंग यूनिट है। या फिर अगर येलो नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से ये आइदर रेड या फिर ब्लू होना चाहिए, क्योंकि रेड में हमारे पास अगर फ्यूचर में हम लोग फिर से देखें तो रेड में हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जेन का ही में से रेड रोजे था, जेन का ही स्पार्किंग, लेकिन इतना कुछ खास वो नहीं है। उसके अलावा रेड में हमारे पास है करप्टिम ज़माजू 8 स्टार का ही पड़ा है मेरे पास, बट इसका प्लैटिनम इक्विपमेंट इतना कुछ खास नहीं था इसका। अगर जेन का ही आता शायद इसको कुछ हेल्प हो, बट उसके अलावा रेड में कुछ खास नहीं है। तो मे बी इसका कलर रेड हो तो चलेगा, और साथ में अगर ब्लू भी हो तो चलेगा, लेकिन ब्लू में हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट रंग है जो रिसेंटली आया था 14 स्टार का, तो ब्लू में भी चांसेस कम लग रहे हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है रेड येलो या फिर ब्लू इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। येलो इसलिए बिकॉज अभी रिसेंटली ईवो वेजिटा आया था येलो एलिमेंट का, तो गॉड की में भी बेसिकली आएगा ये अल्ट्रा रोज है, तो येलो को एक तरह से बफ मिल जाएगा। और तो रेड येलो एंड ब्लू, अगर मुझसे आप लोग पूछते हो कि कौन सा कलर होना चाहिए उसका, तो मेरे हिसाब से रेड येलो या ब्लू में से ही होना चाहिए, कोई ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनलेस अगर इसको ग्रीन बनाना भी है तो एटलीस्ट इसको टाइप न्यूट्रैलिटी तो देनी चाहिए, वो भी मल्टीपल टाइम्स, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार दे दिया कुछ टाइम अकाउंट के लिए, फिर तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, राइट? तो इसलिए आई थिंक अल्ट्रा रोजे डेफिनेटली ब्रोकन होगा, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक टाइप न्यूट्रैलिटी या कुछ यूनिक टाइप की, और कुछ ना कुछ इसमें यूनिक गॉज की चीज़ होगी जो कि ऑब्वियसली सारी अल्ट्राज में होते हैं। होपफुली लकीली मेरे को ये मिल जाए क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ्यूचर में हूँ। और अगर आप लोग समन कर रहे हो इसके बैनर पे
आप सभी को ऑल द बेस्ट जो भी समन कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में इन हो तो ही मैं रिकमेंड करूँगा समन करने के लिए, अदरवाइज एनिवर्सरी भी आने वाली है मई के एंड में, तो उसके लिए भी सीसी सेव करना स्टार्ट कर दो। बाकी उसके अलावा रिविजन स्टफ अभी आ जाएगा अराउंड आई थिंक 7:30 के पीएम में, तो हमें देखने को मिल जाएगा क्या कलर होगा इसका, क्या टाइप होगा इसका, और क्या क्या इसमें एबिलिटीज़ होंगी वो सब भी हमें पता चल जाएगा। और होपफुली कुछ और इवेंट्स भी आएंगे कल, तो हमें सीसी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे पास 5000 के अराउंड सीसी है, तो मुझे ऑलमोस्ट 1000 सीसी और चाहिए ताकि 6000 सीसी हो जाए। मैं दो रोटेशन आराम से कर दूंगा, तो होपफुली कल अगर इवेंट आते हैं तो मैं आराम से दो रोटेशन तो मैं आराम से कर लूंगा इस अल्ट्रा गो के बैनर पे। ऑल द बेस्ट सभी को अगर तुम लोग समन करोगे अल्ट्रा के लिए। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, स्टे सेफ, पीस आउट।